में बैंक का लिंक फेल रहने के कारण खाता धारकों को हो रही भारी परेशानी। रेल नगरी गोमो के उत्तर साइड के रेलवे स्टेशन शाखा के बैंक ऑफ इंडिया में हमेशा लिंक फेल होने के कारण दूर दराज से आए ग्रामीण खाता धारकों को काफी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि यहां हमेशा लिंक की समस्या रहती है। इस मामले पर रामाकुंडा गांव के मुखिया परशुराम महतो सहित कई खाता धारकों ने कहा कि हम लोग सप्ताह भर से बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, बैंक आते ही पता चलता है कि लिंक फेल है, यहां बैंक का होना या न होना बेकार है। मुखिया परशुराम महतो ने कहा कि मेरा भी खाता इसी बैंक में है, पैसा निकासी में बहुत दिक्कत होती है, लिंक के इंतजार में लोग घंटों बैठकर शाम में खाली हाथ घर चले जाते हैं। गोमो स्टेशन के बाहर एक छोटा सा हॉल में बैंक चलाया जा रहा है, लोग घंटों बाहर खड़े रहते हैं। यहाँ 8 दिनों से लिंक फेल है, बैंक का हाल रहा तो हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं इस मामले पर बैंक के शाखा प्रबंधक मिथिलेश आनंद से पूछने पर उन्होंने बताया कि हाँ, करीब सप्ताह भर से लिंक फेल है, हम लोग भी काफी परेशान हैं। यहाँ सिर्फ BSNL का लिंक है जो हमेशा फेल हो जाती है। हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो पता चला कि कहीं पर केबल कट गया है, उसी का काम हो रहा है, जल्द ही लिंक आ जाएगा। शाखा प्रबंधक मिथिलेश आनंद ने कहा कि इस स्थान पर अधिक पेड़ होने के कारण कोई दूसरी कंपनी जैसे एयरटेल, वोडा या जियो का लिंक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे बैंक को सिर्फ BSNL पर आश्रित होना पड़ रहा है। इस कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या समस्या हो गया? बैंक से पैसा नहीं निकल रहा? नहीं, बार बार आए पैसा नहीं, लिंक फेल है। हाँ भाई, बोल रहा है कि लिंक फेल है। क्या बोल रहे हैं? बैंक वाला की लिंक फेल है। आज भी लिंक फेल है? शनिचर, सोमवार, मंगल, बुध, चेस हो गए, 4 रोज। कई दिन से फेल है? 4 रोज से बोल रहे हैं। अगला सोमवार को भी बंद है। आप रेगुलर आ रहे हैं? हाँ। बैंक वाला कह रहा है कि लिंक फेल है, तो बोले ना कि आप लोग ठीक करवाइए। अब बोल रहे हैं करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हरू सुन। आपका? ब्रह्मन साहब। आप लोग को पैसा मिला? क्या बोला सर? लिंक नहीं आया है? लिंक नहीं आया। विकलांग है, लिंक नहीं आ रहा, बोलो ऐसे चल जा भाई। विकलांग है आप? ये सर, पहले भी आए थे? ये सर आंख से 10 बजे आए। 10 बजे का आए हुए सुबह का? अभी तो 1 बज रहा है। क्या बजने वाला? क्या बोलता है सर? अभी लिंक नहीं आया, बोल रहा लिंक आज नहीं आएगा। हाँ, कहाँ से आए आप लोग? सर कोलकाता से आते सर, एक्चुअली सर क्या होता है कि पैदल आते इतना धूप है सर, तो थोड़ा समस्या होता है। पैदल आए, विकलांग है ना? यस सर। और यहाँ आने के बाद बोला था लिंक फेल है? हाँ, लिंक फेल है, समस्या होता है। आप लोग भी उसी समय आए हैं पेंशन के लिए? विकलांग पेंशन? सर विकलांग मतलब पेंशन मिलता है ना? बोलता है लिंक फेल है। ठीक है, मैनेजर साहब से बात करते हैं। सर बात कीजिए एक बार, हम तो एक बार बात किए थे, हमें कुछ नहीं। हाँ सर, सप्ताह भर से लिंक फेल है, क्या कहना है सर आपको? ये तो सही बता रहे हैं कि लिंक बीच में 2 दिन के लिए आई है, पूरा वीक में लिंक फैल ही रहा है। इसकी ये मैटर हम अपने हायर अथॉरिटी के पास उठाए भी हैं, बताए भी हैं, उन्होंने BSNL के पास इसका कंप्लेन भी किए हैं। एक्चुअली में हमारा पूरा लिंक सिंगल लिंक है और ये BSNL के ऊपर डिपेंड है। अगर BSNL में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो ये लिंक हमारा यहाँ बंद हो जाता है और इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव लिंक भी नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें कोशिश किए, इसमें अल्टरनेटिव लिंक लगाने के लिए RF जिसे कहा जाता है, एयरटेल और वोडाफोन, जियो, इसके लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे पेड़ होने के वजह से उसका कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से सेकंड अल्टरनेटिव लिंक भी नहीं व्यवस्था हो पा रहा है। तो हम लोग फिर से
कल बहुत सारा कोशिश करने के बाद आज सुबह में एक घंटा तो लिंक रही, 10 से 11 के करीब लिंक चला, उसके बाद 11 बजे फिर से बंद हो गई। अभी हम लोगों ने हायर अथॉरिटी को फिर से बात किया तो उन्होंने बताया कि कहीं कोई केबल कट गया, फिर से कहीं कुछ काम हो रहा है, केबल कट गया है, जिसके वजह से अभी कुछ टाइम लगेगा। जैसे लिंक आएगी हम लोगों को फिर से तुरंत सर्विस देना स्टार्ट कर देंगे। तो सर जो विकलांग लोग भी आके रोज रोज विकलांग लोग बता रहे कि हम लोग आ रहे हैं, उन लोगों का कोई उपाय तो दूसरा नहीं पेमेंट का? हाँ, आज से हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी बुजुर्ग हैं या जो भी विकलांग हैं या जैसे वैसे लोग हैं कि उन लोगों का यहाँ से हम लोग कलेक्ट करेंगे और शाम में डेबिट करके ला के देंगे दूसरे ब्रांच से। ऐसे हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अब वो उन लोगों का भी ये काम करेंगे। सर अपना नाम बताएं? मेरा नाम मिथिलेश आनंद, वरीय शाखा प्रबंधक गुम NSC बॉस ब्रांच गुमो। थैंक यू। हाँ मुखिया जी, बैंक से क्या समस्या होगी आपको? देखिए, बैंक हमारा जो है, जो एरिया क्षेत्र बैंक ऑफ इंडिया गोमो NOC बॉस जो है, उनका आए दिन हम लोग जो है उस बैंक से परेशान रहते हैं। कारण ये है कि बैंक ऑफ इंडिया NOC बॉस का जो है हमेशा आज रेगुलर 8 दिन से जो है लिंक फेल है। तो इस जो है लिंक फेल के बहाने जो है हमारा जो पोषक क्षेत्र आता है NOC बॉस, उसमें हम भी एक कस्टमर हैं। तो आए दिन जो है हम बैंक जब पैसा लेन देन के लिए जाते हैं तो एक ही भाषा आता है बैंक के मैनेजर या स्टाफ के द्वारा कि लिंक नहीं है। तो मैं जो है इस बैंक के जो है जोनल मैनेजर का जो है भी हम आवेदन करेंगे, लेकिन हम मांग करते हैं कि भाई इस तरह का बैंक होना ना होना जो है मैंने व्यर्थ है। तो हम मांग करते हैं कि भाई ये जो है NOC बॉस का जो स्थिति है इसको अविलंब जो है सुधारा जाए, और नहीं तो फिर जो है हम लोग जो है इसका जो है आंदोलन आगे तक ले जाएंगे। और हम मांग करते हैं कि जो NOC बॉस का ब्रांच है, आप भी जो है देखे होंगे उस ब्रांच को, कि एक जो है कोठरी पे चलाया जा रहा है, वहाँ ना जो है कस्टमर का सुविधा है ना बैंक कर्मी का सुविधा है। तो हम मांग करते हैं कि उस बैंक को जो है मेन रोड पे लाया जाए। इसके लेकर के जो है हम लोग आगे आने वाला दिन भी जो है इसका जो है मांग किए थे और पुनः मांग करते हैं, और हम इसको जो है इनके जो वरीय पदाधिकारी उन तक भी हम बात ले जाने का काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसके लिए जो है उग्र आंदोलन करेंगे। जो हमारा इस क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको दिक्कत होता है, परेशानी होता है। आप अपना परिचय दें। परशुराम महतो, रामाकुंडा मुखिया।